हैंड प्रैक्टिस ज़्यादा तेज़ी से करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? हैंड प्रैक्टिस है आपकी मर्जी, आप जितनी तेज़ी से कर सकते हो, ये आपकी पावर पर निर्भर करता है। ऐसे क्यों, किसने कहा, डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? ज़रूर इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये चीज़ आपको कहीं और नहीं जानने को मिलेगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैंड प्रैक्टिस की स्पीड भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि जब आप हैंड प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आप टीनेजर्स में भी शुरू करते हो, जब टीनेजिंग में स्टार्ट करते हो, आप कंटिन्यूसली वही करते जाते हो। आप हैंड प्रैक्टिस करते हो, जल्दी करते हो, फास्ट करते हो, रैपिडली करते हो, और जल्दी से चाहते हो कि डिस्चार्ज हो जाए और हमारा काम हो जाए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट सबसे बड़ा ये है कि आपकी ये आदत बन जाती है। जब आपकी आप सच में सेक्स करते हो, रियल सेक्स यानी इंटीमेट होते हो, इंटीमेट होने के टाइम पे आपकी फीमेल पार्टनर है, और आप फीमेल पार्टनर की वजाइना में जब एंटर करते हो अपना पेनिस, तो आपको वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अल लगेगा, और उसी के साथ साथ ही आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे। फिर आपकी सेक्स ड्यूरेशन, सेक्स करने की टाइमिंग वो कम हो जाएगी, ये आपका सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाएगा। इसी वजह से ज़्यादा फास्टली नहीं करना चाहिए, और उसी के साथ साथ भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना फ्यूचर में आपको, आप अपनी वाइफ को, आप अपनी सेक्स पार्टनर को, अपनी फीमेल पार्टनर को आप जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, और आपको भी लगेगा कि आप में कमी है। तो इस वजह से फास्टली रैपिडली आपको जो है नहीं करना चाहिए, जितना हो सके कम कीजिए, और जितना हो सके आराम से इजी वे में करना चाहिए हैंड प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, वीडियो को जरूर लाइक करें।